और उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड टेक 2024 का आयोजन चल रहा है। दक्षिण एशिया के इस प्रीमियम फूड टेक्नोलॉजी शो का शुभारंभ वर्चुअली रूप से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। 8 से 10 जनवरी 2024 तक चलने वाले इस इंडस फूड में 2500 से अधिक वैश्विक खरीदार, 5000 से अधिक घरेलू उद्यमी भाग ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी ओपी यादव की यह रिपोर्ट। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में इंडस फूड 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इंडस फूड टेक 2024 का यह संस्करण दक्षिण एशिया का प्रीमियम फूड टेक्नोलॉजी शो है। 10 जनवरी 2024 तक चलने वाले इस इंडस फूड का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअली किया। I will urge all the industry participants of this very important industry to look at collaboration and cooperation while of course maintaining the competitive spirit, how we can work together to make India a global food melting pot. इस अवसर पर केंद्र सरकार में वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि इंडस फूड एक्सपो के खाद्य उत्पादों से जुड़ी देश विदेशी कंपनियों को एक ही जगह पर बायर सेलर मीट से व्यापार अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। लगभग $1 बिलियन का इन 3 दिनों के अंदर कारोबार तय किया जाएगा। फूड और फूड रिलेटेड और फूड प्रोसेसिंग के जो एक्सपोर्ट्स हैं जो लगभग $50 बिलियन के हैं, उसको भी हम दुगना करें 2030 तक, जब हमारा $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। इंडस फूड में अमूल डेयरी ने भी अपना स्टॉल लगाया। अमूल कियोस्क पर लगे उत्पादों की प्रदर्शनी देखने आए प्रबंध निदेशक जयन एस मेहता ने कहा कि अमूल का विदेशों में कारोबार है, डेयरी उद्योग के लिए यहां कनेक्टिविटी के अपार अवसर हैं। अमूल का सालाना टर्नओवर $9 बिलियन यानी कि 72,000 करोड़ रुपए है, जो देश की सबसे बड़ी डेयरी ही नहीं, सिर्फ FMCG और फूड कंपनी भी अमूल लिहाज है। तो हम लोग देश के विश्व के करीबन 50 देशों में इसका हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स करते हैं और हमें उम्मीद है कि और नए कस्टमर्स आएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों में भारत से बने, दूध से बने प्रोडक्ट्स हम निर्यात कर पाएंगे। एक्सपो में मदर डेयरी का भी स्टॉल लगा, जहाँ दुग्ध उत्पादों के अलावा सफल के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मदर डेयरी के अधिकारियों ने कहा कि हमारे लिए यह वैश्विक बाजार तक पहुंच का बड़ा प्लेटफार्म है। देखिए, मदर डेयरी एक्सपोर्ट 15-20 साल हो गया कर रहे हैं और इसका जो फल सब्जी का धंधा में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और ये बहुत फायदेमंद है इंडिया में और नोएडा में। ये जब से शुरू हुआ मदर डेयरी पार्टिसिपेट करता है और हमको बहुत अच्छा खासा ऑर्डर मिलता है और वो ऑर्डर को हम पूर्ति करते हैं। धीरे धीरे यहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि लोग आते हैं और देखते हैं और यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए बोलते हैं, हम यहाँ से भेजते हैं, तो जो इंडियंस या जो बाहर के लोग हैं वो मदर डेयरी के प्रोडक्ट दूसरे देशों में भी खा रहे हैं। इंडस फूड में 2500 से अधिक वैश्विक खरीदार, 5000 से अधिक घरेलू खरीदार और 86 से अधिक रिटेल चेन भाग ले रहे हैं। पहली बार 1050 घरेलू प्रदर्शकों के अतिरिक्त 120 से अधिक विदेशी प्रदर्शक भी आए हैं। एक्सपो के दौरान ज्ञान सत्र, अंतर्राष्ट्रीय ऐप एंड बी मानक कॉन्क्लेव, मास्टर क्लासेज और उद्योग के लिए नवोन्मेषण पुरस्कार भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इंडस फूड मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में देश और दुनिया की नामी ग्रामी खाद्य से जुड़ी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए एक और जा खाद्य से जुड़ी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं मिलती है। वहीं दूसरी ओर भारतीय खाद्य पदार्थों को वैश्विक बाजार मिलने से किसानों की आमदनी बढ़ने के विकल्प भी खुलते हैं। मेरे सगी कैमरामैन प्रमोद और राजेंद्र के साथ ओपी यादव, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राजधानी